जैसे कि मैंने आपको बताया सेम तरीके से आप मैग्नेट को लगाते हैं तो काफी ज्यादा मजबूती के साथ आपका मैग्नेट भी लग जाएगा। तो आप इसी तरह से मैग्नेट लगाएं, डबल मैग्नेट नीचे भी लग चुके हैं सेम। इसको मैग्नेट लगाने से हमारा दरवाजा प्रॉपर एक ही लाइन में बंद रहता है और इसमें जैसे कि एंट वगैरह आ जाता है दरवाजे में वो बिल्कुल नहीं आता है। तो दोस्तों डबल डोर में हम मैग्नेट लगाने वाले हैं। ये जो हमारी डोर की हाइट होने वाली है 7 फीट की होने वाली है, आप देख सकते हैं। तो इस 7 फीट की हाइट के डोर में हम 4 मैग्नेट को लगाने वाले हैं और मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप मैग्नेट को किस तरह से लगा सकते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इन अपने दोनों पल्लों को खोल लेते हैं। तो आपको जिस जगह पर भी मैग्नेट लगाने हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमारे डबल डोर हैं जो कि बंद होने के बाद इसमें ग्रुपिंग है। इसमें दोस्तों हाइड्रोलिक वाले कब्जे का यूज नहीं किया गया है, इसमें सादे वाले आधे पौन के कब्जे का यूज किया हुआ है। पल्ला बंद होने के बाद इसके फेस में एक मार्किंग कर लेनी है ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। ग्रुप वाली अलमारी होती है, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से मैग्नेट को लगाया जाता है। ये ओवरलेग होते हैं जो कि इस टक्कर पर बंद होते हैं, देख सकते हैं आप। तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है लगाने का, इस वाली में जल्दी लग जाता है। जो हमारी ग्रुप वाली अलमारी होती है इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें अलग तरीके से लगाया जाता है। तो ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो में आप बने रहें। तो देख सकते हैं आप, ये आप मैग्नेट जब हमने मैग्नेट को ओपन किया तो इसमें हमें ये 4 पेंस देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे 2 इसमें काम के होते हैं। आपको इस पट्टी को काट लेना है जो कि 2 सूत वाली है, जो कि हमने इसमें ग्रुप बनाया है ये भी 2 सूत की है और इसके पीछे जो हम लगाएंगे ये भी 2 सूत वाली पट्टी है। तो इसको हम पीछे लगाएंगे तो इसके सेंटर में करके आपको ये पट्टी लगा लेनी है। दोस्तों ये आपको 20 नंबर वाली कील से इसको ठोक लेना है। दोस्तों हमारी इसमें पट्टी लग चुकी है, उसके बाद हमें एक पट्टी और लेनी है। हमने मैग्नेट के साइज की ये पट्टी चीर ली थी तो हम एक पट्टी यहाँ पर ये लगा देंगे और इसी की मदद से हम इस पर डबल मैग्नेट आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों इस पट्टी में कील लगाने से पहले हम डोर को बंद करके देख लेते हैं। तो ये आपको जो डोर बंद कर लेना है उसके लिए एक आपको सीधी पट्टी ले लेनी है और नीचे का जो फेस में आपको इसको मिलाकर लगा देनी है। तो उसके बाद हम इसके फेस में करके लगाएंगे और इससे आपको ये पट्टी 1 सूत लूज कर देनी है पीछे को, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये लगभग 1 सूत की इसमें झीरी दे देनी है जो कि हमारे पल्ले से पीछे को होनी चाहिए, तो काफी अच्छी तरीके से मैग्नेट लग जाता है। तो दोस्तों ये मैंने 1 सूत पीछे कर लिए, उसके बाद हम इसको खोलते हैं। उसके बाद हम दोस्तों इसमें कील को लगा लेते हैं। हमारी यहाँ पर कील लग गई, उसके बाद हम दूसरे वाले डोर को भी बंद करके देख लेते हैं और इसमें जो ये पट्टी है हमारी इसको भी हम इससे 1 सूत पीछे करके लगाएंगे। दोस्तों इस पट्टी को इस दरवाजे से 1 सूत पीछे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 1 सूत पीछे हो चुकी है, तो इसमें कील लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारी कीलें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद हम अपने मैग्नेट की फिटिंग करते हैं। इस वाले स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इसमें अपना 1/2 इंची का गैप छोड़ देना है, आपको इस टक्कर से अंदर ले लेना है 1/2 इंची। तो मैंने 1/2 इंची अपने मैग्नेट को कर लिया है, उसके बाद हम इसकी जो फिटिंग करनी है कि लकड़ी ले लेनी है जो कि सीधी होनी चाहिए। तो ये मेरी यहाँ पर इस पर लेमिनेट लगी हुई है तो बिल्कुल सीधी है ये। दोस्तों हम अपने डोर को इसी से बंद करते हैं और ये नीचे जो आप देख रहे हैं पट्टी, तो मैंने यहाँ पर इसको पकड़ लिया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी तरीके से काम करेगी। तो जो पीछे जो मैग्नेट है आपको अपने हाथ से इसको आगे कर देना है। तो ये हमारे दरवाजे से, दोस्तों ये हमारे डोर से 1/2 इंची अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा 1/2 इंची है, बाकी बिल्कुल ठीक है इस टाइम पर ये। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारे मैग्नेट जो है ना इस पर इसी तरह से बिल्कुल फिटिंग के साथ आ जाता है खुद ब खुद। दोस्तों उसके बाद आपको ये अपने हाथ से पकड़ लेना है यहीं पर, उसके बाद इसमें 1/4 इंची के पेंच का यूज करना है जो कि जिप्सन का पेंच है हमारा। तो हम इसके होल के बिल्कुल सेंटर में, जो हमारे मैग्नेट का होल आता है उसके सेंटर में करके पेंच को लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप अपने हाथ से इसको पकड़ लेते हैं तो ये हिलता नहीं है, अपनी प्रॉपर जगह पर सेट रहता है। ये आप देख सकते हैं इसमें डबल होल होता है। तो इसी तरह से हम इसके सेंटर में करके, बिल्कुल इसके सेंटर में करके अपनी ड्रिल मशीन की मदद से पेंच लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा पेंच लगकर कंप्लीट हो चुका है, बाद हम अपने डोर को बंद करके चेक कर लेते हैं इसमें कि हमारा ठीक आया या फिर नहीं आया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इससे हमारी चिपकी हुई है और ये बिल्कुल इसके फेस में है। तो इसी तरह से हमारा मैग्नेट लगने के बाद डोर आना चाहिए ताकि हमारा ये बिल्कुल फेस में रहे, दोनों चीजें ये बिल्कुल फेस में रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो इसकी पत्ती होती है मैग्नेट की, इसकी आपकी सेटिंग कर लेनी है। आपको इसकी सेटिंग इस तरह से कर लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप होल देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए।
दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी ये मैग्नेट की जो पत्ती होती है आपको इसके बिल्कुल सेंटर में कर लेना है होल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पत्ती इस तरह से हो, ये देख सकते हैं आप, आपकी पत्ती इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसके सेंटर में होनी चाहिए। तो हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग जाता है। तो उसके बाद हम इसको इसी तरह से, मैंने जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पत्ती मैंने सेटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपको सेटिंग कर लेनी है और इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। तो आपको ये वाइट वाले जो ये हमारा मैग्नेट है, इसकी जो प्लास्टिक के नीचे की लेयर होती है, इससे आपको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। ये देख सकते हैं आप, इतना इसका वाइटनेस दिखना चाहिए। उसके बाद ये मैंने उठा दिया है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये फेविकोल ले लेना है, इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर पर लेना है। उसके बाद इसके जो होल होते हैं आपको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से आपको ये। तो दोस्तों इसके दोनों होलों पर आपको फेविकोल को लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से आपको ये फेविकोल को लगा देना है। उसके बाद आपको अपने डोर को बंद कर देना है, ये इस तरह से आपको इसको बंद करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लाइव देखिए आप, तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग आ जाती है। उसके बाद आपको फेविकोल के जो निशान है इसके सेंटर में अपनी कील की मदद से आप 1.5 इंची की या 2 इंची कील लें। उसके बाद आपके ये जो फेविकोल के जो निशान है इसके बिल्कुल सेंटर में आपको होल कर लेना है, अपनी हथौड़ी की मदद से आपको इसमें होल कर लेना है। तो आपको थोड़ा सा इसमें होल कर लेना है, इसी तरह से दूसरे वाले निशान पर भी आपको होल कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारे दोनों होल हो चुके हैं। दोस्तों हमें इसके साथ दो टाइप के पेंच मिलते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो हमें छोटे वाले दो पेंच को ले लेना है, फिर आपको पत्ती पर जाना है। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपको इस पे सब जगह पर फेविकोल लगा देना है। उसके बाद सब जगह पर फेविकोल लगा देना है। अगर ये हमारी पेंच की पकड़ अच्छे से नहीं हुई तो हमारा फेविकोल की सेटिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ये कभी अपनी जगह से लूज नहीं होएगा। तो यहाँ से पत्ती को हम हटा लेते हैं। तो आपको पत्ती को हटा लेना है इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा डोर है इसके ऊपर आपको अपने हाथ से इस दोनों पेंचों को टाइट कर लेना है। दोस्तों अपने पेंच को आपको कुछ इस तरह से घुमा लेना है ताकि ये इस पर रुक जाए। उसके बाद आपको इसके पीछे लाग लगानी है, आप रंदे की भी लाग लगा सकते हैं, किसी लकड़ी की आप लाग लगा सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा ठोक लेना है। दोस्तों देख ही सकते हैं ये हमारी पत्ती भी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। वो जो मैंने नीचे 2 सूत की प्लाई लगाई है उससे 2 सूत ये ऊपर हो चुका है। तो अगर हम इसको नीचे करके लगाते हैं तो उसमें चांसेस इसको उखड़ने के ज्यादा हो जाते हैं। तब हम इसको बंद करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें आवाज आ जाती है जब जब हमारा इसमें ये मैग्नेट लगता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये खुद ही पकड़ लेता है इसको। तो ये हमारा मैग्नेट भी लग चुका है, हम इसका फेस भी चेक कर लेते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फेस में लगा है। तो इस तरह से आप मैग्नेट को लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं। जब आपका मैग्नेट लग जाता है तो इसके बिल्कुल इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये आवाज आ जाती है, ये देखिए आप। तो काफी अच्छे से हमारा मैग्नेट वर्क कर रहा है। तो आप भी इस तरह से काफी आसानी से मैग्नेट को लगा सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों अभी एक मैग्नेट यहाँ पर भी लगना है, तो इसका ही प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जिस तरह से मैंने ये मैग्नेट लगाया सेम इसी तरह से मैं ये भी मैग्नेट लगाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपकी पसंद आई होगी और ये जानकारी आपकी समझ में भी आई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नेट काफी आसानी से आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट के जरिए बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी की वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को अलविदा करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।